ओके, तो हाय एवरीवन, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू मैसिमम ऑफिशियल सेट अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है अबाउट कोलैब। हम कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे एंड आई थॉट कि जो भी मुझे कोलैब्स आते हैं, सर मेरा काम मैंने फिर से शुरू कर दिया है, तो कुछ कोलैब्स हैं, कुछ पीआर्स हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस वीक मेरे पास दो चीज़ें आई थी कोलैबोरेशन में, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ और बात करेंगे जो कोलैबोरेशन को लेके लोगों के मन में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपने बार्टर कोलैबोरेशंस लेना शुरू कर दिया तो फिर आपको पेड कोलैबोरेशंस नहीं मिलते, क्या ये सच होता है, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कोलैबोरेशंस के बारे में जो मुझे प्रीवियस मंथ आए थे, मतलब प्रीवियस वीक आए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनर के बारे में। ये जो कंडीशनर है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड विश केयर। यू विश वी केयर कोकोनट बायोटिन कंडीशनर रिपेयर बूस्टर इनरिच विद शिया हैम्प सीड एंड मैकेडेमिया, पता नहीं ऐसे से डिफ़िकल्ट से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, फ्री फ्रॉम सल्फेट सिलिकॉन एंड पैराबेन। 300 ml का ये बॉटल है। तो ये मेरे पास आया था, ये मैंने यूज़ किया, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ द ब्रांड विश केयर, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया कंडीशनर है ये एंड कोकोनट बेस्ड है एंड इसका जो प्राइस इसमें मेंशन है 599 rupees। बाकी ऑफर्स आते रहते हैं, आप उसमें ले सकते हो। तो ये कंडीशनर बहुत ही बढ़िया है, इसको लगाने के बाद बालों की क्वालिटी इंस्टेंट मतलब अच्छी सी हो जाती है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला, बहुत ही बढ़िया कंडीशनर है ये। तो ये मैंने एक यूज़ किया है, इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो भी एक हेयर केयर प्रोडक्ट ही है, मतलब दोनों ही आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स ही हैं। तो दिस इज़ द फ्लूअर कॉलोनी का एक नया मतलब ब्रांड आया हुआ है, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा उनका है। दिस इज़ द वाइट पेपर रेंज उन्होंने जो बालों के लिए लॉन्च किया है, स्पेशली फॉर द डैंड्रफ, अगर आपकी इची स्कैल्प है और डैंड्रफ है आपको, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो दिस इज़ द फ्लूअर कॉलोनी वाइट पेपर रेंज। तो उसका ये शैम्पू है, शैम्पू लिटरली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, अल्कोहल, मिनरल, न्यू एडेड कलर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड 100% वीगन और क्रुएल्टी फ्री है ये प्रोडक्ट। बट अगर आपने कभी सत्रीठा का शैम्पू यूज़ किया होगा या फिर कोई ऐसा हर्बल वाला शैम्पू अगर आपने कभी यूज़ किया, तो उस तरह से थोड़ा सा मैचिंग है। इसका जो टेक्स्चर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह का, जैसे सत्रीठा का जो शैम्पू नहीं होता है वैसा सा कलर है इसका। और इसके इससे जब आप बाल वॉश करते हो ना, तो फिर थोड़ा सा मतलब वैसे ही आपको फील भी आएगा, जैसे कोई हर्बल और वैसा आयुर्वेदिक टाइप का शैम्पू यूज़ कर रहे हो। तो डिट्टो वही स्मेल है इसमें, जो सतरीठा वाली स्मेल होती थी, डिट्टो वही है। और वाइट पेपर है इसमें, जो कि बालों के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, मतलब स्कैल्प वगैरह के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको हर्बल शैम्पू अच्छा लगता है, आप यूज़ करना चाहते हो और आप किसी तरह का कोई केमिकल नहीं चाहते बालों के लिए, तो आप ये शैम्पू डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस। और इसके साथ उन्होंने मुझे एक और चीज़ भेजी थी, विच इज़ अ सीरम। दिस इज़ रियली गुड, ये सीरम बहुत अच्छा है। मुझे शैम्पू इतना पसंद नहीं आया, बट सीरम बहुत ही अच्छा है। तो ये सीरम का उन्होंने ये इस तरह का पैक भेजा है पूरा, ये 6 हैं इसमें। मैंने ये ड्रिप जो थी, ये मतलब क्या ड्रॉप जो होती वो लगा दिया है, तो इस तरह का है। तो एक मैं यही आपको दिखा देती हूँ, इसका मैंने रील भी डाला है, उस पर आप चाहो तो देख सकते हो, बट दैट वाज द कोलैबोरेशन रील। और यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस इज़ एंड ये बहुत ही, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत बढ़िया है। इसको आप नाइट में स्कैल्प पे लगा के सो सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नाइट में स्कैल्प पे लगा ले तो मॉर्निंग में आपको इसको वॉश करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है, इसको आप लगा लो और बालों में दिन भर रहता है, बालों पे अच्छा एक स्मूथ सिल्की इफेक्ट भी देता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया है ये, स्पेशली अगर आपका कंसर्न डैंड्रफ है या अच्छी स्कैल्प है, तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, आप ले सकते हो इसको। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यार देखो क्या होता है ना, कि ऑब्वियसली जो ब्रांड है, अगर ब्रांड भी न्यू होता है तो वो ऐसे नए इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली ढूंढता है जो कि पेड, मतलब इसे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल वैसी होती है कि वो आपको पे नहीं कर सकते, बट बार्टर कर सकते। इससे क्या होता है कि कई सारे जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो जब उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और एक साथ ही कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसे एक ही प्रोडक्ट के बारे में फ़्लो होती है, तो लोगों के लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और उस चीज़ को लेना पसंद करते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप पेड कोलैबोरेशन ले रहे हो या फिर आप बाटो कोलैबोरेशन ले रहे हो। अब जैसे मेरा काम ही यही है कि कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं, आपको शेयर करूं, उसका रिव्यू करूं, ये सारी चीज़ें मेरा काम होता है। तो अगर मैं कुछ चीज़ें, अगर मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदने जाऊँगी, तो मैं फिर कहाँ से खरीद के आपको रिव्यू ही दे पाऊँगी। तो जो चीज़ें लॉन्च होती हैं मुझे कोलैबोरेशन में मिल रही हैं, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक दैट इन कोलैबोरेशन, बाटो कोलैबोरेशन, आई शेयर विद यू गाइज कि वो कैसा है कैसा नहीं है। टू मी बाटो कोलैबोरेशन इज़ डेफिनेटली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाटो कोलैबोरेशन करोगे तो आपको पेड नहीं मिलेगा।
मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी उस तरह से आपको काम भी मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल उस तरह से है तो आपको उस तरह से बार्टर और पेड कोलैबोरेशंस मिलते हैं, दैट्स इट। तो मैं तो भैया सब ले लेती हूँ, मुझे बार्टर शार्टर जो मिलता है। हाँ, इतना ध्यान में रखती हूँ कि मैं वो जो चीज़ें हैं उसको टाइम पे डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है, मेरी फैमिली है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। जो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, ठीक लगता है, वो मैं चूज़ कर लेती हूँ। आते तो बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स हैं, बट हाँ मैं इतने नहीं चूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में ऐसे चूज़ करती हूँ कि मैं कोलैबोरेशंस भी कर लूँ और मेरा जो काम है, मेरे डेली के जो वीडियोज़ है वो भी डाल लूँ। तो दैट्स इट, दिस इज़ द वीडियो फॉर द डे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और आज मैं थोड़ा तैयार व्यार होकर भी बैठी हूँ, कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना। सारे मैंने इनसाइट के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हूँ, सारे मैंने इनसाइट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अफजल भी वीडियोस देखते हैं, मेरे हस्बैंड थे, ही सेड कि उन्होंने भी मुझे प्रीवियस वीडियो में क्या कहा कि तो वो वैसे ही सारे वीडियो बना लेते हो, तैयार वो यार भी नहीं होती, ऐसे बैठ के बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो माई ऑडियंस, तो ऑडियंस के जो फीडबैक है वो मैटर करते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं तैयार हो लेते हैं आज, तो थोड़ा सा तैयार होकर वीडियो बना रही हूँ। एंड द गुड थिंग कि क्या आंस हो रहा है, मैं सब कुछ कर पाई हूँ, आज तैयार वैर हो पाई हूँ। तो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर लो वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योरसेल्फ, बाय बाय।